अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, हम लोग जा रहे हैं फाइनली वैंकूवर। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ हमारी तैयारियाँ कि हम क्या क्या पैक कर रहे हैं, क्या क्या लेकर जा रहे हैं, और पूरा फेरी से वैंकूवर पहुँचने तक का सफ़र मैं आप लोगों से इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। और किस तरीके से यहाँ पर आप टर्मिनल पर पहुँचते हैं, द होल प्रोसीजर, और हम क्या क्या मतलब हमारा ओवरऑल जो ट्रिप होगा वैंकूवर पहुँचने तक का ट्रैवलिंग ट्रिप, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। शैल भी ये रही और शैल के बाबा भी बैकग्राउंड में, मैं वन बाय वन आप लोगों को चांस दूंगी ज़ूम करने का। सो गाइस, आपने कुछ कहना है? बोलो। शैल, मामा क्या है? मम्मा रही? बाबा? जी बाबा। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं चिकन लेकर आई हूँ, मैं उसको मैरिनेट करने लगी हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से उसकी रेसिपी भी शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से क्या क्या लेकर जाती हूँ, ताकि अगर आप लोग भी ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं तो अपनी कॉस्ट को किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं और ज़्यादा घूम सकते हैं। और जब ये छोटी छोटी चीज़ें आप कर लेते हैं ना, तो इससे आप ये कि है ना, ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। तो वो सारा आपसे शेयर करेंगे। अभी मैं किचन में जा रही हूँ, जो प्रिपरेशन फूड प्रिपरेशन कर रही हूँ आपसे वो शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर पैकिंग करते हैं। लेट्स गो। सो गाइस, ये हैं दो चरगे जो कि मैंने हारिस से मंगवाए हैं और स्किन इसकी उतार ली है। मैंने ले लिए हैं योगर्ट। ये है मेरा बारबेक्यू मसाला जो कि मैं इसमें डाल दूंगी। तकरीबन दो चम्मच डाल देंगे हम भरकर। इस मैंने मसाला डाल दिया सारा, दही, उसमें बारबेक्यू मसाला, लहसुन अदरक, और ये मैंने प्याज था मेरा फ्राइड अनियन जो पैकेट वाला होता है उसको मैंने हाथ से क्रश करके डाल दिया। इन सबको मिक्स करके अच्छे से अब मैं लगा दूँगी इस पर। सो ये चिकन है मेरे पास, इस तरीके से मैंने इसको ले लिया पूरे चिकन को। आप भी हाथ में ग्लव्स पहन लें, चम्मच हम साफ करके साइड पे कर देंगे। अब मैं इसको एक दफ़ा खुद भी मसाले को अच्छे से हाथ से भी मिक्स कर लूँगी, ताकि इसमें लहसुन या किसी भी चीज़ की गुठली ना रही हो। देखिए हो गया, अब हमने इसको लेना है और इसे अच्छे से मसाज कर रहे हैं, जिस तरह आप समझें आप किसी बेबी को जो है ना वो ऑयल मसाज दे रहे हैं। मैं तो कह लें कि एक्सपर्ट हो गई हूँ शैल को दे देकर, और शैल अब बड़ी हो गई हैं, तो अब मैं बारबी की चिकन कर लेती हूँ। चलिए, मैं इसको इन दोनों को इस तरीके से अच्छे से मसाज करके फिर ऑयल स्प्रे करके मैं इसको दो घंटे के लिए मैरिनेट कर दूंगी। फिर मैं जब ओवन में रखूंगी तो आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। इसके अलावा मैंने शैल के लिए जो है वेजीज जो हैं वो स्टीम कर दी हैं, तो ये ठंडे होने का वेट कर रही थी, ठंडी हो गई हैं। अब मैं इसको भी मैश कर लूँगी, साथ लेके जाने के लिए मैंने किए हैं ताकि बेबी फूड भी होना चाहिए। सो ये मैंने बना लिए हैं, इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो साथ हमें एयरटाइट बैग में ले जाएंगे। अच्छा, जब भी मैं ज़्यादा डिशेस बना रही हूँ किचन में तो मेरा दिल चाहता है मैं साथ ना कुछ बना लूँ चटपटा सा। मैं अपने लिए वाले नूडल्स बना रही हूँ और ये बहुत झटपट बनते हैं और बहुत ही यमी बनते हैं। अब मेरे पास जो भी सब्ज़ी रखी हुई है मैं इसमें डाल रही हूँ, ज़ुकीनी डाल रही हूँ, और साथ में ये मेरे पास हरा प्याज है, ये मैं इतना काट के इसमें डाल दूँगी। जो इसके साथ सीजनिंग आती है वो भी डाल देंगे हम। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक। मेरे पास चिकन रखा हुआ था, मैंने ऊपर से चिकन डाल दिया है जो कि मैं रखती हूँ पिज़्ज़ा या रोल वगैरह बनाने के लिए। अब मैं इन्जॉय करती हूँ इसको। ये है मेरे मैरिनेटेड चरगे, ब्रोस्ट, जो भी कहें, तो मैंने इनको अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, और मैंने इन पर ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का स्प्रे भी कर लिया जो बारबेक्यू के लिए यूज़ करती हूँ। एक दफ़ा इस पर थोड़ा कम किया, ये मैं आप लोगों के सामने कर लेती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ टेम्परेचर 360 पे मैंने तकरीबन सवा घंटे के लिए, 1 घंटा 16 मिनट के लिए इसे ओवन में रख रही हूँ। तो मेरा ओवन ऑलरेडी गर्म हो गया, मैं इसको इसमें रखती हूँ, जब निकालूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुलाव राइस। हारिस इज़ हेल्पिंग मी इन कटिंग शिमला मिर्च। और अम्मी ने ये मंचिंग के लिए बनाया सफ़र के लिए, साथ इसमें कॉर्नस हैं और बार्ले है, बड़ा मज़े का स्नैक है ये। ये भी जार में डाल देंगे, तो हम बहुत सारी चीज़ें ना कोशिश करते हैं घर से बना के ले जाएँ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा घूम सकें, इंजॉय कर सकें और खाने की टेंशन ना हो। सो मेरे चावल मैंने इसमें डाल दिए, बस मिक्स करके पानी डाल के दम दे देंगे। सो गाइस, ये है फाइनल लुक मेरे टिक्कों की, आप देख सकते हैं बहुत ही यमी बने हैं, हल्का सा कलर भी आया है। इनको अब मैं बॉक्स में डाल लूँगी, सुबह हो चुकी है, मैंने अब ओवन से निकाले ताकि ठंडे हो जाएँ, अभी भी नींदों में ही हूँ। और ये है मेरे पुलाव जो मैंने बना के रख दिया था रात को, मैं आपको इसकी शक्ल भी दिखा देती हूँ। ये रहा मेरा पुलाव जो कि रेडी है,
ये रहे मेरे टिक्के, अम्मी ने कीमा आलू का सालन बनाया था वो ये रहा, ये लिए। अब मैं शहर का खाना पैक कर लूँगी, अम्मी ने जो है वो नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है ताकि हम लोगों को देर ना हो। जी अम्मी अभी इसे पैक कर लेंगे बॉक्सेस में। अबू आप देर नहीं होनी, आपको पता है 7:30 बजे हमने निकलना है। हारिस शावर लेने चले गए, मैं जाके पहले फ्रेश अप हो जाऊँ, मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया, बस मैं उठ कर आते ही मैंने ये चीज़ें देखी हैं, तो मैं फ्रेश हो जाऊँ फिर आप लोगों के साथ आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी हम क्या क्या कर रहे हैं। सो गाइस अम्मी अब बना रही हैं पराठे, अब शैल भी उठ चुकी हैं, शैल को भी रेडी करना है, हारिस पढ़े हैं नमाज, अबू और अम्मी पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़नी है, बस अब जल्दी जल्दी निकलना है, चाय भी बन चुकी है और पैकिंग का मैं आप लोगों को एक दफ़ा लुक दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या पैक किया है। सो गाइस जस्ट इग्नोर द मैस, ये बैग है शैल का और फिर मैंने सिर्फ अपना मेकअप पाउच रखा है, इसके अलावा मैं ये वाला बैग साथ कैरी करूँगी क्योंकि घूमने फिरने में ईजी होता है, और साथ में ना मैंने एक बैग और रेडी कर लिया वो ये है, ये आप जो है इसको क्रॉस बॉडी पहन सकते हैं, तो मैंने इसमें वॉलेट और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रख ली हैं और इसमें मैंने कैश वगैरह रख लिया है, बाकी ये बैग है जो कि इसकी मैंने जिप बंद कर दी, इसमें मेरे और हारिस के क्लोथ्स हैं जो कि आप डेफिनेटली मैकूर में देखेंगे, और मैं और शैल आज ट्यूनिंग कर रहे हैं, ये है मेरा ड्रेस और ये है शैल का, मैंने सोचा सब काम हो जाए फिर मैं शैल को जो है वो रेडी करती हूँ, शैल का बेबी पिंक और मेरा पीच पिंक है, और ये शैल की हुडी है, और गाइस ये कुछ गिफ्ट हैं जो कि मैंने अम्मी लोगों से परफ्यूम्स वगैरह मंगवाए थे पाकिस्तान से, दिस इज़ द माई मोस्ट फेवरेट परफ्यूम, मैं गिफ्ट करने वाली हूँ, हम जा रहे हैं आंटी रोडस की हैं उनको, एक वाइट मस्क उनके हस्बैंड के लिए मैंने मंगवाया है, दीज आर द फ्रेगरेंसेज जो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ, और ये तो भाई बहुत ही मोस्ट फेवरेट है मेरी और हारिस दोनों की, दिस इज़ जे डॉट मैन, और ये भी हम उनके बेटे के लिए हमने मंगवानी है, बाकी कुछ गिफ्ट रैप की चीज़ें रख लेते हैं इसके साथ, ये हैं जो कि हम जिसमें देंगे, इनको भी साथ रख लेते हैं, जितनी चीज़ें माइंड अप होती जा रही हैं उनको मैं यहाँ ला के रखती जा रही हूँ, ये सब हमने रखनी है, लाइक शर्ट के डायपर्स, ये मैं बाकी चीज़ें ले आती हूँ। आई एम रेडी, कमेंटमेंट के मुताबिक आई एम रेडी। ये सारा काम हमको भी तो करना है, मतलब बच्चे हैं हमारे यार, खाना पीना है सारा, तो बच्चों को करो, बस मैं शैल को रेडी कर रही हूँ और अब वो पूरे 7:30 बजे रेडी होकर आ गए। अम्मी आप रेडी नहीं हुई हैं? अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ दूसरी चाबी। अम्मी आप तैयार नहीं हुई हैं? बस मैं भी तैयार हो रही हूँ, मैंने हारिस को मेरे पास तो एक्सक्यूज है शैल का, राइट हारिस? चलें वी हैव जस्ट 5 मिनट्स टू गेट रेडी, रेडी होकर आते हैं निकलते हैं। सब रेडी हो चुके हैं इंक्लूडिंग अम्मी अबू शैल हारिस एंड मी, वी आर ट्विनिंग। अबू सब कुछ ले लिया, हारिस वी आर ट्विनिंग, ट्विनिंग नॉट ट्विनिंग। हाँ लाइट यहीं से ऑफ कर लें, अपने अंकल की तरफ। हाँ चलो भाई, थैंक यू। ओके बहुत तेज बारिश हो रही है। शैल जो है वो सो चुकी हैं, अभी 1 घंटा 15 मिनट का रास्ता रह गया और हम यूँ चलते हुए जा रहे हैं फेरी कैच करने के लिए, एंड वी हैव टू गो ऑल द वे टू द फेरी टर्मिनल, तकरीबन 1.25 घंटे का रास्ता रह गया एज़ पर दी गूगल मैप्स, हम 9:45 जा के पहुँचेंगे, 10:40 की फेरी है, हम वॉक इन जा रहे हैं, बाकी जगह मिल जाए इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस। Hi, thank you for Vancouver. We don't. No, how many people? 4 people, 1 car. And a baby. Yeah. So guys, we got the ticket. और ticket हमें अभी का ही मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। पापा। जी बाबा। पापा। कैसे हो? ओल। ओल 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 ओल। अब हम जा रहे हैं ऊपर।
इशेल हर्ष दिखाए मुझे. हेलो बेबी हाय. यहाँ पे हारिस की डैड की कॉल आ गई थी. हारिस उन्हें दिखा रहे थे इशेल जो कि फुल ऑन एंजॉय कर रही थी और अम्मी इशेल को साथ साथ बनाना खिला रही थी. फिर हम लोग जाएंगे इशेल को खाना खिलाने के बाद खुद कुछ खाने मंचिंग के लिए. तकरीबन और थोड़ा सा आप लोगों को पैरी की वाइब भी दिखा देते हैं. लोग बहुत सारे गाड़ी में बैठे हुए नीचे नहीं आए ऊपर नहीं आए मिंटू से. उसकी वजह ये थी कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है. आप देख सकते हैं कि बाहर भी से इतना क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि शीशे पे एक ऑन सी जमी हुई है. और गाइस व्हाट्स अप. नॉट मच. वी आर थिंकिंग व्हाट टू डू. शेयर इज ऑलरेडी फेड अप विद अस. बाय. हारिस एंड शेयर आर हियर एंड इशेल. इशेल व्हाट आर यू डूइंग. फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिटी में एंटर हो गए और अभी भी फेरी से निकले हैं. अब हम पहुंच के आप लोगों को बताते हैं हमारे क्या प्लान्स हैं. अच्छा सॉरी बहुत. गाइस हम यहाँ वैंकूवर जनरल हॉस्पिटल की पार्किंग में रुके हैं. अबू और हारिस गए हैं वॉशरूम वहाँ एंट्रेंस से और मैंने ये निकाल लिया जो मंचिंग कम लेकर आए थे ऑरेंज जूस और अम्मी ने जो बनाया था अक्का चाय चाट काइंड ऑफ थिंग. हम अभी ये बैठ के खाते हैं. बारिश लगी हुई है कंटिन्यूसली अम्मी. ठंडा हो गया. शेल्स हो रही है. ये अम्मी बना के लाई हैं जो कि बहुत मज़ेदार है. थैंक यू अम्मी. हम लोग वैंकूवर पहुंच चुके हैं बट यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है. मैं कहूँगी कि कैंपबेल रिवर से ज़्यादा ठंड यहाँ पर है. और अम्मी ऐसा ही है बिल्कुल. गाइस हारिस और अबू भी आ चुके हैं. थोड़ा थोड़ा इन्होंने भी खा लिया. हारिस खा चुके हैं. अबू खा लें. अबू लीमू डाला हुआ जी. तो गाइस यहाँ हम पहुँच गए चिकन वर्ल्ड. तो गाइस ऑर्डर हमारा आ गया. हारिस पिक करने गए हैं. चाहेंगे आप. ये है हमारा फूड. हारिस हाफ कट करवाए हैं बर्गर. यहाँ याद याद हैं. अच्छा अच्छा तो हमने लिए हैं गब्बर बर्गर और एक लिया है हमने बेवफा बर्गर और बाकी हमने ये लिए हैं. मैं आपको दिखाऊं इन लोगों के बर्गर्स के जो नाम है ना बड़े मज़े के हैं. ये एक पाकिस्तानी ओनर का है बेवफा मंडे. ये देखें बिल्लो बर्गर चीटे बर्गर. तो हमने लिया है एक गब्बर और एक लिया है हमने बेवफा. मैं आप लोगों को खा के बताते हैं इनका टेस्ट कैसा है. मेरी उर्दू है कि मैं आपको खा के बताते हैं कि हम इनका टेस्ट कैसा है. आई डोंट नो व्हाई कनाडा आके मेरी जो उर्दू है ना उसकी टांगें खुल गई हैं. ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त अंग्रेज़ी बोलती रहती हूँ बट स्टिल. जो है वो पोजेस दे रहे हैं. सो नाउ वी आर हियर इन टिम हॉर्टन्स. हारिस ऑर्डर कर रहे हैं साथ में शेल भी हैं. सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड आवर एयरबीएनबी एंड दिस इज द हाउस 935. यस एग्जैक्टली. नाउ हारिस इज डायलिंग द कोड. हमारा जो रूम है वो अपस्टेयर्स है. यहाँ हम लोगों ने अपने शूज उतारते रखते हैं. हम चाहते हैं जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा एक टूर देती हूँ जहाँ भी हम एयरबीएनबी में रह रहे होते हैं. यस वन ऑफ आवर रूम इज दिस. उन्होंने कहा था बी प्लस सी है. दिस इज द बी और ये है रूम का लुक. मेरी बेटी आ चुकी है फौरन. आई लाइक इट.
फुली कारपेटेड है। तो अम्मी अबू का जो रूम होगा वो सी होगा, हर सी है उनका। ये अम्मी अबू का रूम हो गया सी और बी हम लोग ले लेते हैं। ये हमारा वॉशरूम है जो हमें मिला है, अटैच बाथ, टॉवल्स, शावर एरिया भी सही है। ओवरऑल इट्स गुड। मिशेल पूरे घर का टूर कर रही हैं। अब्बू और हारिस जो है वो सामान ऊपर लाना शुरू कर दिया उन्होंने। थैंक यू हारिस। मिशेल जो है वो हर चीज़ एक्सप्लोर किए जा रही हैं। मिशेल हो गया, आपने लाइट टर्न ऑन कर ली। कम हियर मिशेल। बाबा। सो गाइस फाइनली मैं ड्रेस चेंज करके रिलीफ हो चुकी हूँ। अम्मी अब्बू का मुझे पता नहीं और मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ कि मैं शेयर का ड्रेस जो वो चेंज कर दूँ। जाना आपने पापा? जी कम कम कम। बाबा इज नॉट हियर। मेरा मैंने खुद भी चेंज कर लिया, शेयर को भी चेंज करा दो। आपकी बेटी का ही ड्रेस निकाल रही थी मैंने कि मैं फैशन अप हो गई और मैं शेयर को कर देती हूँ। आज मैं आपको भी ड्रेस निकाल देती हूँ। सामान जो है फ्रिज में रखने वाला रखना शुरू कर दिया। और ये है मेरे ड्रेस की डिटेलिंग, ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई हैं। आई लाइक इट। नगर से बनाकर लाए थे। ये है पुलाव, कीमा, आलू और चरगा ब्रोस जो भी कहेंगे, दो चीज़ बना के लाई थी। ये शेल का खाना ये मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, रख देती हूँ। ठीक है, ये मेरा फ्रिज सेट हो गया। मैं घर से लस्सी और जूस लेकर आई थी तो कप मैंने दो ले लिए। अब निकाल लेते हैं हम जूस या लस्सी। जूस ले लेते हैं। मैं स्मूदी लेकर आई हूँ, मैंगो एंड उसकी और लस्सी है, तो अभी हम ये पी लेते हैं। जी शेयर इधर देखें, मीटिंग चल रही है यहाँ पे। क्या मीटिंग चल रही है? पाकिस्तान के बारे में। मैं आप लोगों के लिए जूस लेकर आई हूँ, मुझे दुआएं दें। थैंक यू। हाँ जी, और मेरे लिए भी डालें, अपने लिए भी डालें, खुद भी पिए, फिर मैं आपकी मीटिंग कैसा बनती हूँ। मैं डर रही थी शहर की तरह। हमने खाना जो है वो अपना गर्म करने के लिए रख दिया है, तो चावल ही गर्म हो गए। सो गाइस यहाँ पे है डाइनिंग एरिया जहाँ पे हम खा रहे हैं। हाय, फिर मैंने बनाई है सबके लिए ग्रीन टी। सो गाइस ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें मैंने कोशिश की आप लोगों को दिखा सकूं कि हम फेरी से लेकर यहाँ तक पहुंचने तक का सफर। मैंने आप लोगों को एयरबीएनबी का भी टूर दिया। आई होप आप लोगों को सब पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई जरूर लाइक कीजिएगा। कल हम लोग जा रहे हैं, बॉक्सिंग डे की सेल है इसलिए मैं तो अभी सोने आ चुकी हूँ, फौरन सोऊंगी। हारिस भी कहीं अराउंड समवेयर है और कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। शेल भी उस शेयर को भी सुनाना है। तो मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी बॉक्सिंग डे की सेल। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।